ओम शांति। आज आपका 170वें दिन का ईश्वरीय वरदान और आज के ईश्वरीय वरदान में परमपिता परमात्मा हमें हमारे पिछले जन्मों में हम कितने पवित्र थे, कितने दिव्य थे, हमारे अंदर दिव्य गुण थे, हमारे अंदर दिव्य शक्तियाँ थी, वो सारी चीज़ों का याद दिलाते और हम हैं किसके बच्चे। तो सारी विश्व की आत्मा चाहती है मुक्ति या मोक्ष। परमात्मा कहते हैं मोक्ष मतलब आत्मा का जो अंदर पाठ लिखा हुआ है, आत्मा के अंदर ही 84 जन्मों का पाठ है। मैं इस समय आपसे ये बातें कर रही हूँ, आत्मा कर रहा हूँ, आत्मा उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, आत्मा को कोई जेंडर नहीं है, लेकिन मैं जो आपसे बातें कर रहा हूँ आत्मा, वो मैंने कल्प कल्प करी है, मैंने कई हजारों साल ये चीज़ रिपीट करी, क्योंकि मैं आत्मा अविनाशी हूँ। तो मेरे अंदर जो पाठ है, मतलब कि मेरे अंदर जो रिकॉर्डिंग हुई हुई है कि मेरे को ये पाठ कैसे खेलना है, आज मेरे को नुकसान होगा या हानि होगी मेरे को या फायदा होगा, या कोई मेरी आज निंदा करे, कोई आज मेरी स्तुति करेगा, ये सब कुछ फिक्स्ड है। और जो मैंने कर्म करने हैं वो भी फिक्स्ड है। तो परमात्मा कहते हैं कि तुम्हारे अंदर सारा पाठ है, तुम अपने पाठ को भूल गए हो कि तुम एक समय पवित्र थे, अब तुम अपवित्र बन गए हो। तो स्मृति में जैसे हम आते हैं कि हम क्या थे, तो हमारे स्टेज बढ़ती जाती है, हम मुक्ति नहीं ढूंढते, मोक्ष नहीं ढूंढते, हम दुखों से मुक्ति पाने की कोशिश करते हैं इस ज्ञान के द्वारा। तो देखें आज बाबा कहते क्या है, परमात्मा कहते क्या है इस वरदान में। बाबा कहते हैं अपने संपूर्ण स्वरूप के आह्वान द्वारा। संपूर्ण स्वरूप कौन सा? परमात्मा ने हमें ब्रह्म कुमारी में याद दिलाया है कि हम पिछले जन्मों में डिवाइन थे, मतलब कि दिव्य थे, सर्वगुण संपन्न थे, हमारे अंदर सारे क्वालिटीज थी, सर्वगुण संपन्न, 16 कलाएं संपूर्ण। हम कहते तो आए भक्ति में, लेकिन हमें पता भी नहीं होती कि ये 16 कलाएं कौन सी हैं। तो परमात्मा ये भी हमें सिखाते हैं ब्रह्म कुमारी से कि 16 कलाएं कौन सी थी देवी देवताओं की। संपूर्ण निर्विकारी, कोई विकार ही नहीं था हमारे अंदर जब परमात्मा ने हमें धरती पर भेजा था बाबा ने। और क्या था हमारे अंदर? हमारे अंदर किसी भी प्रकार का वायलेंस नहीं था, मतलब कि हमारे अंदर किसी भी प्रकार की गंदी सोच, किसी को हानि पहुंचाने वाली सोच थी ही नहीं। तो 16 कला संपूर्ण सर्वगुण थे हमारे अंदर, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम थे, परम अहिंसक भी थे हम। तो वो सारी चीज़ें परमात्मा याद दिलाते हैं कि तुम ऐसे थे, अब क्या बन चुके हैं, देखो अपने आप को, है ना। तो परमात्मा कहते हैं आईने में देख ले अपना मुखड़ा, प्राणी तेरे जीवन में, तेरे दर्पण में कितना पाप है और कितना पुण्य है। तो परमात्मा कहते हैं अपने संपूर्ण स्वरूप के आह्वान द्वारा आवागमन के चक्र से छूटने वाले। आवागमन का चक्र कौन सा होता है? कि इस धरती पर आना, पैदा होना, फिर वापस जाना। परमात्मा कहते हैं उस चक्र से छूटना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक चीज़ से आप छूट सकते हो, वाले लक्की सितारे भवा। तो परमात्मा कहते हैं अब अपनी संपूर्ण स्थिति व संपूर्ण स्वरूप का आह्वान करो। परमात्मा ने हमें याद दिलाया कि हम पिछले जन्मों में क्या थे। तो बाबा कहते हैं कि अपने उस संपूर्ण स्वरूप को सदा याद रखो, मेडिटेटिव स्टेट में रहो, हमेशा काम करते हुए, बातचीत करते हुए, खाते पीते, याद रखो तुम क्या थे। अगर कोई एक राजा का बच्चा याद रखता है कि मैं एक राजा का बच्चा हूँ, तो उसका हाव भाव भी रॉयल हो जाता है। तो वैसे अगर हमें याद रहे कि मैं परमात्मा का बच्चा हूँ, तो मुँह से कभी ना किसी के प्रति अपशब्द निकलेंगे, ना गाली निकलेगी, ना किसी से ऊंच नीच की बातें होंगी। लेकिन जब हम ये भूल जाते कि हम भगवान के बच्चे हैं, क्योंकि हमारी प्रीत परमात्मा से नहीं, हमारी प्रीत इंसान से होती है, धन दौलत से होती है, तभी वहाँ पर घृणा, ईर्ष्या, नफरत, ये सारी चीज़ें आती हैं। लेकिन परमात्मा कहते हैं कि जैसे तुम अपने आप को आत्मा समझते हो और परमात्मा के बच्चे याद रखते हो, तो तुम्हें पता चलता है कि कुछ समय के लिए आए हो इस धरती पर, ये सारी चीज़ें मेरी मेरी, मैं नहीं है, इन सब चीज़ों से हमें क्या करना है, मुक्त होना है। तो परमात्मा फिर याद दिलाते हैं कि तुम क्या थे, तुम पिछले जन्मों में कहीं गुणा धनवान थे, तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं थी। तो उस स्मृति में रहो, अपने गुणों की स्मृति में रहो, तुम कितने लायक थे, कितने समझदार थे, कितने विवेकशील थे तुम, लेकिन अब क्या बन चुके हो ना। तो उन चीज़ों को याद करने से अभी हमारे इस द्वारा पाप नहीं होते हैं। तो बाबा कहते हैं अब अपनी संपूर्ण स्थिति व संपूर्ण स्वरूप का आह्वान करो, तो वही स्वरूप सदा स्मृति में रहेगा। फिर जो कभी ऊंची स्थिति है ना, कभी हम ऊंची स्थिति में होते हैं, कभी खुश होते हैं, कभी उदास हो जाते हैं, कभी ऊंची स्थिति, कभी नीची स्थिति में आने जाने का आवागमन का चक्र चलता है, बार बार स्मृति और विस्मृति के चक्र में आते हो। स्मृति आती है कि हाँ, मैं संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, परम अहिंसक थी आत्मा में कई जन्म पहले, है ना, सर्वगुण संपन्न थी मैं आत्मा, सारे क्वालिटीज थी मेरे अंदर,
ना, धैर्यता, निर्भयता, सहनशीलता, पवित्रता, मधुरता, ये सारे मेरे अंदर गुण थे। ये जैसे भूल जाते हैं वैसे हमारे अंदर क्या आता है, काम क्रोध लोभ अहंकार आ जाता है, ईर्ष्या द्वेष आ जाता है, घृणा आ जाती है, उसके ऑपोजिट आ जाते हैं। तो परमात्मा कहते हैं जैसे ये स्मृति विस्मृति का खेल तुम बंद करोगे, तुम्हारी स्टेज भी बिल्कुल क्या रहेगी, एक समान रहेगी, है ना। तुम कभी ऊंचे, कभी बहुत खुश हो गए, आज अच्छी मेडिटेशन हुई, आज अच्छे गुण फील हुए, कभी बिल्कुल ही डाउन हो गए, सैड हो गए, वैसा नहीं होगा, उदास नहीं हो गए, ऊ का दास नहीं बनोगे, उदास, किसी और का दास नहीं बनो, किसी ने कुछ कह दिया तो उदास हो गए, ऊ का दास नहीं बनना। तो परमात्मा कहते हैं वे लोग जन्म मरण के चक्र से छूटने चाहते हैं, ना बाहर की जो आत्माएं हैं जिनको ये ज्ञान के बारे में नहीं पता कि हम जन्म मरण के चक्र से छूट नहीं सकते, हम मोक्ष नहीं पा सकते, मुक्ति पा सकते हैं, वो तो ये चाहते हैं कि हमें मोक्ष मिले, हमें इस धरती पे आना ना पड़े फिर से। परमात्मा कहते हैं और आप लोग क्या चाहते हो, आप लोग चाहते हो कि व्यर्थ बातों से छूट चमकते हुए लकी सितारे बन जाते हो। व्यर्थ बातें ही हमें इस समय दुखी बनाती हैं, जिस कारण सब क्या बोलते हैं, हे प्रभु उठा लो, हमें नहीं आना इस धरती पर। परमात्मा कहते हैं तुम व्यर्थ बातों को भूलो, अपनी असली स्वरूप को याद करो, तुम्हारे अंदर शक्ति आएगी, पवित्रता आएगी, तुम मेरी याद में बैठो, मेरे ध्यान में बैठो, ऑटोमेटिकली ज्ञान को अपनाओ अपने जीवन में, तो तुम्हें मोक्ष की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम इसी जन्म में ही मुक्त हो जाओगे दुखों से, अशांति से। तो क्या सबसे इम्पोर्टेंट है, अभी अभी चाहिए, है ना, हमें तो आदत पड़ी हुई है कि अभी अभी सब कुछ मिले, तो क्यों ना अभी अभी हम सुख शांति ले लें और दुखों से मुक्त हो जाएं, इस ज्ञान को अपना के अपने जीवन में। तो बाबा कहते हैं कि वो मोक्ष की बात छोड़ो, तुम अभी मुक्ति की बात करो, मुक्ति तो पहले पाओ दुखों से, तो पहले ज्ञान को अपनाओ, मेडिटेशन करो, अपने पिछले कई जन्मों पहले के स्वरूप को याद करो कि तुम कौन थे, उस स्मृति को मत भूलो और किसके बच्चे हो उसको मत भूलो, ताकि तुम्हारे अंदर सारी ताकतें भरी रहें। तो आज का ये वरदान, ईश्वरी वरदान, आपका दिन शुभ हो, आप स्वस्थ रहें और आप निश्चिंत रहें अपने जीवन में। धन्यवाद। ओम शांति।